जी, और यहाँ से अब प्रोबेबली सारे फील्डर्स ऊपर बुलाने पड़ेंगे। पांच बॉल पे दो रन चाहिए और नाइट कप्तान थोड़ा सा परेशान होते हुए। दक्षिण अफ्रीका के खेमे में अचानक से सभी खिलाड़ी अपनी बत्तीसें दिखाने लगे हैं, पता चल गया अब दो रन है, तो खुशी के आंसू लग तो रहा है कि दक्षिण अफ्रीका के खेमे में आएंगे। लेकिन यहाँ पर त्रिशा चेट्टी खेल रही हैं, बढ़िया पारी उन्होंने खेली है। दो रन चाहिए दक्षिण अफ्रीका, दो कदम दूर एक जानदार शानदार जीत से, और नैटाली स्किवर गेंदबाजी करने के लिए तैयार। यहाँ पर फिर एक बार डाउन द लेग साइड वाइड का इशारा होना चाहिए, स्कोर्स लेवल्ड। बिल्कुल जी, अब इस टाइम वाइट और कर दी गई है तो अब बचा ही कुछ नहीं, ये कह सकते हैं आप। इंग्लैंड की लड़कियों के लिए तो बड़ी मुश्किल है, डिफेंडिंग चैंपियंस। अच्छा, पहले दोनों ही मुकाबले वो अच्छा खेले, ऐसा नहीं कि खराब खेले, लेकिन बड़ा क्लोज हारे, मतलब वो जो आखिरी नॉकआउट पंच होता है ना, वही नहीं मार पाए। इस वजह से तीसरे मैच में किस्मत देखिए उनके साथ क्या खेल खेल रही है। जी बिल्कुल, अब छेटी पे सारे फील्डर ऊपर ले लिए गए और अब देखना पड़ेगा ये किस तरह खेलती हैं। यूजुअली सिंगल डबल ज्यादा करती हैं, बट अब देखते हैं इस बॉल पे क्या करती है। लगा दिया शॉट मिड विकेट के ऊपर से, काम तमाम, और दक्षिण अफ्रीका ने डिफेंडिंग चैंपियंस इंग्लैंड को 3 विकेटों से हरा कर हंगामा कर दिया है। और वर्ल्ड कप में इंग्लैंड का लगभग लगभग सफर मोर ऑर लेस बड़ी मुश्किल में लग रहा है। वाह, शानदार जीत। जी बिल्कुल, आगे अब 5 मैच हैं और 5 के 5 जीतने होंगे अगर क्वालिफाई करना है डिफेंडिंग चैंपियन को तो। और बहुत बड़ी जीत साउथ अफ्रीका के लिए, बेहद बड़ी जीत, वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा रन चेस किए इन्होंने साउथ अफ्रीका ने, और वो भी इंग्लैंड जैसी टीम के लिए जो कि वुमेन्स क्रिकेट में बहुत ही बड़ी टीम खिलाई जाती है। बिल्कुल, और बहुत गम से भरी हुई इंग्लैंड की टीम, और क्यों ना हो, और जब आप पहले 3 मैच वर्ल्ड कप में हार जाती हैं डिफेंडिंग चैंपियंस होने के बावजूद। अच्छा, टीम में ऐसा बहुत सारी कोई खराब बात है या फिर खराब खिलाड़ी है, ऐसी बात नहीं है, बस वो रिदम या फिर वो जो फार्मूला है, वो इक्वेशन जो है वो ठीक से बना नहीं पाई इंग्लैंड की लड़कियाँ।